गुड मॉर्निंग बच्चों, थोड़ी सी मुझे थकान हो रही है, ठीक है, क्योंकि लेट नाइट वीडियो बना रहा हूँ तो प्रॉब्लम हो रही। तो देखो, आपके लिए इतना करता हूँ, तो आपको थोड़ा सा कॉपरेट करके सिर्फ पढ़ना ही है, ठीक है। और अभी शादी का सीजन चल रहा है, तो पीछे से बैंड वैंड की आवाज़ आए, कुछ भी आए तो इग्नोर करना, अपने को फोकस करना सिर्फ किस चीज़ पे, अपने को पढ़ना है सिर्फ अपना चैप्टर, ठीक है। अगला को है शंकु का, मतलब शंकु परिच्छेद पढ़ना है। तो इसमें क्या होता है कि सेक्शन को मॉनली चार पार्ट में डिवाइड करता है। तो भाई, इस चीज को चार पार्ट में डिवाइड कर, एक तो है हमारा वर्थ है, वलय है, परवलय है, एक और है, याद नहीं मुझको, ठीक है, चार पार्ट में डिवाइड कर रहा। तो देखो, आज हम पढ़ेंगे सिर्फ इसके बारे में, जो वो जो 11th एक्सरसाइज का उसको हम पढ़ रखे हैं, उसको डिवाइड कर रखा है फोर पार्ट में। तो पहला आता है सर्कल के ऊपर। सर्कल के ऊपर आती बात, तो देखो सर्कल पे क्या आती है कि सपोज करो कि मेरे पास एक कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर एक सर्कल दे दिया, थोड़ा बड़ा बना देता हूँ, ठीक है। तो देखो भाई, सर्कल का तो पता होगा तुम्हें कि एक पॉइंट लेते हैं जिससे चारों तरफ इक्वल डिस्टेंस के ऊपर एक राउंड बना दिया जाता है, ठीक है। एक राउंड बना दिया मैंने, बना दिया भाई। इस वाले को मैं ले लेता हूँ एच के। एच और के मेरे क्या है, एकदम ओरिजिन पॉइंट है, ओरिजिन है यहाँ के, ठीक है। अब ये ओरिजिन से आगे मैंने एक डाली, रेडियस डाली, किस पे, सर्कमफेरेंस या परिधि पर डाली है, उसको मैं नाम दे देता हूँ एक्स और वाई। तो इन दोनों पॉइंट्स की जो बीच की डिस्टेंस होगी वो गई आर, ठीक है। तो इन दोनों पॉइंट्स की बीच की डिस्टेंस, तो भाई डिस्टेंस किस किस के बीच, एक तो सेंटर और एक परिधि, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ केंद्र व परिधि के बीच की दूरी, या फिर बोल सकता हूँ ओरिजिन, डिस्टेंस बिटवीन ओरिजिन एंड द सर्कमफेरेंस पॉइंट, ठीक है, ये लिख सकता हूँ। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला हमने पहले भी पढ़ा था, वो डिस्टेंस का फॉर्मूला हमारा क्या था भाई, हमारा वो था वाई माइनस वाई वन का स्क्वायर प्लस टू ले लेते, तो एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला आता था डिस्टेंस का। लेकिन यहाँ पे हमारे पास पता है कि हमारी डिस्टेंस क्या आ रही, एक को तो वो एक्स ले रखा है, एक को एच ले रखा है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ ब्रैकेट में उधर देखा एक्स माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर, ठीक है। अब इन दोनों की बीच की जो डिस्टेंस है वो किसके इक्वल आ रही है भाई, आर के इक्वल आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं क्या करूंगा, दोनों तरफ स्क्वायर कर दूंगा भाई, दोनों तरफ स्क्वायर करूंगा तो देखो रूट हट जाएगा, तो क्या बन जाएगा, वाई माइनस के का स्क्वायर बराबर आर का स्क्वायर, समझ आई चीज। तो कभी भी, तो किसी भी सेंटर और इसके परिधि के बीच की कोई पॉइंट ले लेता हूँ, इसके बीच की अगर दूरी निकाल ले, तो ये हमारे पास ये फॉर्मूला है, पहली चीज तो ये। दूसरा केस ये कि अगर आपका जो कोई है गोला या वर्त, ठीक है, ये तो पहले साइड में था कोऑर्डिनेट सिस्टम, अगर मान लो गोला इसी ओरिजिन पे आके बन जाए, ठीक है, अब इसी पॉइंट पे आके बन जाए, तो भाई इसी पॉइंट पे तो होता है भाई जीरो जीरो ओरिजिन, तो मेरे एच और के जीरो जीरो रह जाएंगे। इस पॉइंट पे मैं एक्स और वाई लेता था, वही चीज है, ओरिजिन को मैं एच के, तो अभी ओरिजिन यहाँ पे है मेरा, तो यहाँ पे जीरो जीरो होता है, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, अब इसी चीज के अंदर एच की जगह जीरो रखो, वाई की जगह जीरो रखो, तो सॉरी नीचे वाले में रख लेना, एच की जगह जीरो, वाई की जीरो रखो, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ये कब होता था, यदि केंद्र मूल बिंदु पर है उस कंडीशन में होता था, आई बात समझ में। और तीसरा लास्ट है वर्त का व्यापक रूप, वर्त का व्यापक रूप होता था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स है ना, हाँ, प्लस टू एफ वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, ये व्यापक रूप ये होता है, ठीक है। इसमें से जो हमारा केंद्र होता है भाई, इधर लिख देता हूँ मैं, इसके हमारा केंद्र होता है वो होता है हमारे माइनस जी और माइनस के एफ, ठीक है। और इसमें त्रिज्या होती थी, वो त्रिज्या होती है हमारी, त्रिज्या होती है हमारी रूट में जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस के सी, बस यही होती है, बस यही चीज है, व्यापक रूप ध्यान रखना सबसे ज्यादा। आपको कुछ एक क्वेश्चंस करवा देता हूँ, ठीक है, अरे चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, चाहो तो पोज करके लिख लेना, आपकी मर्जी हो तो। आगे दो एक दो क्वेश्चंस करवा देता हूँ आपको, जैसे देखिए आपको केंद्र
डायरेक्टली बता देता हूँ आपको, आपको ये दे दिया, एक के अंदर दे दिया 0.2 और आर दे दिया आपको 2 यूनिट, ठीक है आपको 2 यूनिट दी, तो दोनों की बीच की दूरी निकालनी है भाई, पॉइंट्स निकालना है, दूरी नहीं, मतलब दूरी दे दी, पॉइंट दे दिया आपको, ओरिजिन निकालना है, केंद्र बिंदु निकालना है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, अपने को वही फॉर्मूला पता है भाई, एक्स माइनस क्या लिखा था, एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर दे दिया अपने को आर का स्क्वायर, भाई पॉइंट्स दे रहे हैं तो वो लिखते, तो एक्स माइनस एच कितना दे रखा है भाई, एच का मतलब ये होता, एच होता था ये मेरे क्या होता था, एच कितना भाई 0 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के कितना दे रखा भाई 2 का स्क्वायर, आर की दे दी मुझे 2 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा भाई, या तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये तुम्हारे क्या हो जाएगा भाई, फॉर्मूले से खोलो उसको, सही चल रहा है भाई, हाँ भाई बिल्कुल सही चल रहा है, इसको खोलोगे तो वाई स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 4 प्लस 2 ab, यानी कि 2 2 कितना हो जाएगा माइनस के 4y = 4, इस 4 से ये 4 कट गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 4y = 0, ये लो भाई डिस्टेंस निकल लिए, कोई दिक्कत, ठीक है। हो गया, एक और इजी क्वेश्चन है वो भी बता देता हूँ आपको, एक डायरेक्टली इक्वेशन देती है, एक डायरेक्टली इक्वेशन दे रही है आपको, एक्स प्लस 5 का स्क्वायर प्लस वाई प्लस 3 का स्क्वायर इक्वल 36 दे दिया, अभी बोल रहा है इसके केंद्र निकालो भाई, केंद्र सॉरी हाँ केंद्र निकालो, केंद्र क्या है भाई, केंद्र या सेंटर बात कर लो, क्या है ये, क्या है तो भाई ये क्या है, तो भाई इसको देखता हूँ क्या कर सकता हूँ मैं, मुझे पता है भाई इक्वेशन क्या थी, एक्स प्लस एच का स्क्वायर वाई प्लस किसका स्क्वायर, प्लस ये आता है ना भाई, सॉरी क्वेश्चन में गड़बड़ है थोड़ी सी, और क्वेश्चन गलत लिख दिया, ये होता क्वेश्चन के का स्क्वायर और 36 को लिखता हूँ 6 का स्क्वायर सॉरी आर का स्क्वायर, अब भाई इसका और इसका कंपेरिजन करता हूँ मैं, डायरेक्टली क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करना बता रहा भाई, इन दोनों को कंपेयर करूँ भाई, दोनों को कंपेयर करूंगा तो इसकी वैल्यू हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी, सॉरी यहाँ पे भी माइनस आएगा और इसकी वैल्यू ये हो जाएगी, तो यहाँ से देखो एच की वैल्यू आ रही है मेरे पास माइनस का 5 और के की वैल्यू आ रही वो 3 और आर की वैल्यू आ रही मेरे पास 6, तो भाई एच के ये मेरे पास कोऑर्डिनेट कौन कौन सा है, वाई मेरे माइनस में 3 और आर की वैल्यू आ गई मेरे पास 6, डायरेक्टली क्वेश्चन ये मेरा क्या है भाई फाइनल आंसर है भाई, क्वेश्चन आप ट्राई करना और बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है, थैंक यू।